फ्रेंड्स, ये स्टेबलाइजर असेंबलिंग का छठवां वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर का रिले से कैसे कनेक्शन किया जाता है, इनपुट और आउटपुट का कनेक्शन कैसे किया जाता है, मतलब इस स्टेबलाइजर का पूरा कनेक्शन इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। सिर्फ किट का कनेक्शन छोड़ दिया जाएगा, मतलब ये जो पीसीबी इसके अंदर लगी है इसका कनेक्शन हम इस वीडियो में आप लोगों को नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें हमने इस स्टेबलाइजर के किट का ही कनेक्शन पूरी तरह से बताया है। तो यदि आपको किट का कनेक्शन समझना है तो इससे पिछले वाले वीडियो को देखिएगा और बाकी सभी वीडियो का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा इस स्टेबलाइजर का कनेक्शन को समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनपुट और आउटपुट के बारे में समझ लें। तो यहाँ पर हम सप्लाई को इनपुट करते हैं, जो भी हमारे घर का इनपुट आता है पोल से तो यहाँ पर इनपुट कर दिया जाता है, बाकी वो आउटपुट यहाँ से मिल करके हमको हमारे लोड पर जोड़ दिया जाता है। मतलब कम या ज़्यादा वाला जो भी वोल्टेज होता है यहाँ पर आप जोड़ दीजिएगा, यहाँ पर आपको जो भी वोल्टेज बना करके ये स्टेबलाइजर देगा 200-240 के बीच में आपको वोल्टेज देता रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट के लिए आपको यहाँ पर दो वायर मिल जाएंगे, एक न्यूट्रल है और एक फेज है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके अंदर का जो न्यूट्रल का कनेक्शन है उसी को कम्प्लीट कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत कम जगह पर गया होता है, तो इस वजह से आप इसके न्यूट्रल का कनेक्शन समझ लीजिए। यहाँ से ये इनपुट न्यूट्रल अंदर के तरफ गया और आप इसको अंदर से देख सकते हैं यहाँ पर आया है और यहाँ पर एक जोड़ हमने बनाया है ये वाले तार में ही, ये जोड़ करके इस ट्रांसफार्मर को इनपुट मतलब न्यूट्रल का इनपुट चला गया और उसके बाद यहाँ से जो न्यूट्रल है वो सीधे सीधे उसी वायर से, आप देख सकते हैं उसी वाले वायर से सीधे सीधे इधर के तरफ आउटपुट वाले न्यूट्रल से आकर के जुड़ गया है। मतलब न्यूट्रल का बहुत ज़्यादा उपयोग इसके अंदर नहीं किया गया है, बस इनपुट से गया है और आउटपुट के बाहर जो है कि सीधे निकल गया है और साथ ही साथ वो जो है कि ट्रांसफार्मर में जुड़ गया है। उसके साथ ही साथ आप देखिएगा एक ये पतला सा तार हमने जोड़ा है, ये ब्लैक कलर का ये जो तार है इसके लिए जोड़ा गया है। ये जो हमारा वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में हमको वोल्टेज देखना होता है कि इनपुट कितना है आउटपुट कितना है, तो उसके लिए इसको न्यूट्रल होना ज़रूरी है। उसके बाद इधर जो है कि फेज कभी इनपुट आएगा कभी आउटपुट आएगा, वो सारी चीज़ें आगे आपको बताई जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये न्यूट्रल का कनेक्शन समझ में आ गया होगा। न्यूट्रल यहाँ से इनपुट में गया और आउटपुट से निकल गया, बीच में जो है हमने काट करके ट्रांसफार्मर को जोड़ दिया और उसी के साथ एक तार ये निकाल दिया वोल्टमीटर के लिए। तो ये तो हो गया इनपुट जो है और आउटपुट का न्यूट्रल का कनेक्शन। उसके बाद हम यहाँ पर फेज इनपुट देखते हैं, जो ये ब्लू कलर का वायर जोड़ा गया है ये फेज इनपुट वाला है। अब ये सीधे सीधे चला जाएगा एमसीबी में, यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 एम्पियर का हमने एमसीबी लगाया है और ये जो है नीचे के तरफ इनपुट किया गया है और यही फेज जो है ऊपर से ये आउटपुट हुआ है। एमसीबी से जो आउटपुट हो रहा है ये वाला जो मतलब इनपुट फेज आया है वो एमसीबी से निकल करके सीधे ही आप देखेंगे उसको नीचे से, आप ध्यान से देखें, रुक जाइए मैं कैमरा ले जाता हूँ वहाँ तक, शायद वो कैमरा देख पाए आप। तो ये वाला वायर सीधे ही आ करके इस रिले के यहाँ कोने पर जाके जुड़ गया है। कोने वाला ये पोल है, आपको मैंने पहले ही बताया था इस रिले के बारे में, इस रिले के बारे में ही जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि ये वाला पोल है, बीच वाला NO है और ये जो है NC है। तो ये चीज़ आप रिले के जो वीडियो है उसको आप देख करके इसके अंदर की बातें और जो भी ये काम करता है वो सारी चीज़ें आप उस वीडियो से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इनपुट कर दिया, जहाँ पर इनपुट किया जाता है वही रिले जो है पहली रिले कहलाती है, उसके जस्ट बगल वाली दूसरी रिले हो गई, ये तीसरी रिले हो गई और ये चौथी रिले जिससे आउटपुट किया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इनपुट हो गया और यहाँ से आप आउटपुट की बात करें तो ये जो चौथी वाली रिले है उसके बीच वाले से एक वायर आया है, ये ब्लू कलर का आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही ब्लू जो वायर है वो सीधे सीधे इधर आउटपुट से निकल गया होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं आउटपुट के लिए वो निकल गया। मतलब कि हमने इनपुट को एक इनपुट सप्लाई एक नंबर के रिले पर पोल पर किया है और यहाँ से आउटपुट जो है हमने चार नंबर के
एनओ से किया है, बीच वाला जो है एनओ सिरा होता है तो एनओ से हमने आउटपुट किया है। बाकी हम ट्रांसफार्मर के कनेक्शन को समझ लेते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है रिले के साथ कैसे जुड़ा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, और रिले को रिले से कैसे जोड़ा गया है ये चीज़ आप यदि समझ जाते हैं समझिए कि स्टेबलाइजर का कनेक्शन आप समझ गए। तो चलिए हम ट्रांसफार्मर के वायर को सीखते हैं, समझते हैं कि कैसे वो जोड़ा गया है। फ्रेंड, जो मैंने ट्रांसफार्मर का वीडियो बनाया था, पहला वाला वीडियो, आप उसमें देखे होंगे, मैंने ये बताया था कि ये एक नंबर का सिरा है, ये उसके बगल वाला दो नंबर है, और ये जो है तीन नंबर है, और ये जो है चार नंबर है। अब ये नंबर जो है चार नंबर, एक नंबर, तीन नंबर, ये कहाँ पर जोड़े गए होते हैं उसको हम समझेंगे। एक नंबर से शुरुआत करते हैं। एक नंबर जो है एक नंबर रिले के एनसी पर जोड़ा गया है। ये जो है एनसी सिरा है, ये बीच वाला एनओ है और इधर वाला पोल है, तो एक नंबर एनसी पर जोड़ा गया है। ये दो नंबर जो है दो नंबर रिले के एनसी पर जोड़ा गया है। तीन नंबर को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीन नंबर रिले के एनओ पर जोड़ा गया है। तीन नंबर जो है तीन नंबर रिले के एनओ पर जोड़ा गया है। और यदि इस चार नंबर को देखा जाए तो इसी तीन नंबर रिले के यह एनसी पर जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये चार नंबर जुड़ा है और उसी पर जो है ये एनसी सिरा है और यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एक नंबर रिले एक के एनसी पर, दो नंबर रिले दो के एनसी पर, तीन नंबर रिले तीन के एनओ पर, चार नंबर रिले तीन के एनसी पर। इस तरीके से ट्रांसफार्मर के जो चारों वायर थे हमारे रिले के साथ जुड़ चुके हैं। अब उसके बाद रिले से रिले का कनेक्शन, एक दूसरे से रिले कैसे जोड़ी गई है उस चीज़ को अब हम समझते हैं। तो थोड़ा सा इधर से हम साइड में हो जाते हैं। यहाँ पर यह सीखेंगे कि पहली वाली जो रिले है दूसरे रिले से कैसे जुड़ी हुई है। तो ये हमारा पहला रिले है और इधर ये दूसरा रिले है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पहले रिले का ये वाला जो सिरा है, मतलब बीच वाला सिरा एनओ बोला जाता है, ये दूसरे वाले रिले के पोल से जुड़ा हुआ है। मतलब पहले का एनओ दूसरे के पोल से जुड़ा हुआ है। यदि आप दूसरे के एनओ की बात करें, देख लीजिए, यहाँ पर दूसरे का एनओ जो है तीन नंबर रिले के एनसी पर जुड़ा है। ये तीन नंबर एनसी पर ट्रांसफार्मर का चार नंबर वायर भी जुड़ा है और उसी पर जो है ये एनओ दो नंबर का और ये तीन नंबर का एनसी आपस में जोड़ने के लिए वायर भी ये ब्लू कलर का आप देख सकते हैं जुड़ा हुआ है। यदि आप एक एक तार को समझेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। बाकी तार को यदि आप एक ही साथ समझने का प्रयास करेंगे तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी। उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो तीन नंबर का रिले है उसके बगल वाला चार नंबर का है, तो ये तीन नंबर की जो रिले है उसके पोल को चार नंबर के पोल से डायरेक्ट जोड़ दिया गया। मतलब ऊपर वाला ये पोल ही होता है, तो पोल से पोल का कनेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वाले वायर से किया गया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आउटपुट हो गया है, मतलब ये वाला वायर जो है आउटपुट के लिए चला गया है इधर से बाहर साइड में, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर चला गया है। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर जो है कि रिले के साथ जुड़ा है, रिले एक दूसरे के साथ, रिले के साथ रिले जुड़ी हुई है। इसका कनेक्शन भी हम लास्ट में आप लोगों को इसी वीडियो में दे देंगे। यदि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। अब फ्रेंड्स, जो है एक और चीज़ आप समझ लीजिए, इस वोल्टमीटर का कनेक्शन समझ लेते हैं कि वोल्टमीटर क्या करता है। वोल्टमीटर को यदि आप सामने से देखेंगे तो यहाँ पर एक स्विच है इनपुट और आउटपुट देखने के लिए। यदि आप इसको ऊपर करेंगे तो इनपुट दिखाएगा इस वोल्टमीटर में, बीच में करेंगे तो ये इधर बंद रहेगा, मतलब इधर कोई वोल्टेज नहीं दिखाएगा। भले ही आपका ये स्टेबलाइजर आउटपुट करेगा लेकिन वोल्टेज इसमें नहीं दिखाएगा। ये वोल्टेज मतलब वोल्टमीटर को ये सेफ रखने के लिए हमेशा इसको बंद करके रखा जाता है, या जब आवश्यकता पड़ती है हम वोल्टेज को इनपुट और आउटपुट चेक कर लेते हैं कि हमारे घर में कितना आ रहा है और हमारे आउटपुट को कितना मिल रहा है। मतलब हमारे पोल से हमारे घर तक कितनी सप्लाई आ रही है और हमारे घर के अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हैं उनको कितना मिल रहा है, तो यहाँ से इनपुट आउटपुट करके हम देख लेते हैं। तो इस स्विच का इसके साथ कैसे कनेक्शन किया गया है उस चीज़ को समझिए, क्योंकि इसमें इनपुट भी दिखाएगा और आउटपुट भी दिखाएगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर इसका कनेक्शन समझ लीजिए। यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला वायर है, अभी मैंने न्यूट्रल के समय इसको बताया था, तो आप इस ब्लैक वाले वायर को समझिए। ये सीधे ही ये ब्लैक वाला वायर यहाँ पर देख लीजिए, ये वायर जो है
यदि ध्यान से देखेंगे तो इसमें से ऐसे गया है और यहाँ से आप देख लीजिए ये सीधे जा करके वोल्ट मीटर के एक साइड पर जाके जुड़ गया है। तो न्यूट्रल जो है कि डायरेक्ट आ करके हमारे इस वोल्ट मीटर पर जुड़ा हुआ है। उसके बाद जो है ये रेड वाला वायर कहाँ से आया है इस चीज़ को समझेंगे। और उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसको इनपुट और आउटपुट देखने के लिए यहाँ पर हमारा जो स्विच लगा है ये टू वे स्विच है एक प्रकार का। नीचे के तरफ हमको आउटपुट देखना है तो यहाँ पर जो है जहाँ से हमारी सप्लाई आउट हो रही है वहाँ से एक तार यहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो ये जो ब्लू वाला वायर देख रहे हैं आप, इस ब्लू वाले वायर को, इसमें से जो तीन वायर है देख लीजिए, इसमें एक ब्लू है और ब्लू वाला ही इसके नीचे जुड़ा है। और ये ब्लू वाला गया कहाँ पर है आप इसको पकड़ के जाएंगे, पकड़ के जा करके देखिएगा तो यहाँ पर ये एनो पर जुड़ा है जहाँ से ये सप्लाई आउट हो रही है उसी वाले जगह से ये जा करके जुड़ा है। मतलब आउटपुट सप्लाई जो है डायरेक्ट हमारे इस स्विच के नीचे वाले पर आ रही है और इनपुट सप्लाई ये जो फेज है यहाँ से आप देख लीजिए ये वाला इनपुट का जो एच टी है उधर नीला कलर का जो वायर है यहाँ से आया हुआ है, ये चला गया एम सी बी में, एम सी बी से जो है यहाँ पर आ गया है और यहीं से जो है एक वायर ये येलो कलर का ये आ करके हमारे इस स्विच के ऊपर जोड़ दिया गया है। मतलब इस स्विच में नीचे के तरफ आउटपुट सप्लाई है और ऊपर के तरफ आपका इनपुट सप्लाई है। जैसा कि इधर के तरफ लिखा हुआ है उसी तरह से इसमें कनेक्शन किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर जो है इनपुट लिखा है, नीचे आउटपुट लिखा है, तो इसीलिए हमने इसमें नीचे के तरफ आउटपुट दिया है और ऊपर के तरफ इनपुट दिया है और बीच वाले से एक वायर निकाल करके रेड कलर का हमने इस वोल्ट मीटर को दे दिया है। तो इस तरह से इस वोल्ट मीटर को जब भी आप इस स्विच को अप करेंगे तो फेज वाली सप्लाई मतलब इनपुट वाला फेज इसको वोल्ट मीटर को मिलेगा तो इसमें वोल्टेज जो है इनपुट का बताएगा। यदि आप स्विच को बीच में रखते हैं तो स्विच ऑफ रहेगा, मतलब हमारा ये वोल्ट मीटर कोई भी कार्य नहीं करेगा। और यदि आप इसको नीचे के तरफ दबाते हैं तो बीच वाली जो पॉइंट है मतलब ये रेड वाला वायर नीचे वाले से जुड़ जाएगा, मतलब ये ब्लू वाले से यहाँ पर आ रहा है आउटपुट का फेज सप्लाई। तो इस तरीके से इस स्विच से हमारा इस वोल्ट मीटर का कनेक्शन किया गया है जिससे कि यहाँ पर आप इनपुट और आउटपुट देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये रिले का और ये जो वोल्ट मीटर था ये सारी चीज़ें आपका कनेक्शन इसमें समझ में आ गया होगा। अब ये स्टेबलाइज़र पूरी तरह से तैयार हो चुका है, अब एक कार्य बच गया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इसका सेटिंग कैसे किया जाता है, मतलब इस किट से इस स्टेबलाइज़र को कैसे सेट करें कि हमारा जो वोल्टेज है इनपुट वोल्टेज 90 से 300 के बीच में कहीं पर भी रहेगा, आउटपुट हमको 200 और 240 के बीच में ही मिलना चाहिए। तो ये चीज़ हम सेट करेंगे इस किट के द्वारा। तो इस किट के सेटिंग के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। यदि फिर भी कोई कनेक्शन में आपको दिक्कतें आती है तो आप जो है कि आप इंतज़ार कीजिए, हमारे नए वाले चैनल पर इस स्टेबलाइज़र का कोर्स स्टार्ट होने वाला है। स्टेबलाइज़र का जब कोर्स स्टार्ट होगा तो आपकी जो सारी समस्याएँ हैं वहाँ पर दूर कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।